Hello everyone, myself Ravi Roshan and I am from Poly Department. मुझे यहाँ पे 3.5 years हो गए. अप्रोक्स मैं यहाँ पे आफ्टर कॉलेज मेरी फर्स्ट कंपनी थी. मैंने कभी किसी और कंपनी में ज्वाइन नहीं करा, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू दिया और यहीं पे मेरी ज्वाइनिंग हुई. तो यहाँ पर मैं कल्चर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ऑसम है. यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जो सीनियर्स हैं काफ़ी कोलैबोरेटिव हैं और सब आपस में अच्छे से बातें बातें करते हैं. और जो भी डायरेक्टर्स हैं, स्पेशली डायरेक्टर्स हमारे की पॉइंट हैं, मतलब हम उन्हीं के, मतलब उन्होंने मतलब इतनी सारी चीज़ें हमें बताई है पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और जितनी फंक्शनल ग्रोथ है हमारी, सब मतलब डिपेंड करता है एक दूसरे पे. तो हम लोगों ने खासकर हमारा यहाँ पे जो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ऑसम है कल्चर, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें. एंड मैं यहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट में, उर्दू इज इन पाइथन. सो फर्स्ट ऑफ व्हेन आई केम हियर आई लर्न पाइथन कोड. सो यहाँ पे डे वन से मैंने पाइथन स्टार्ट करा, पाइथन सीखना स्टार्ट करा. और उसके बाद फिर हमने पाइथन डे बाई डे इम्प्रूव करता गया और अभी हम लोग काफ़ी अच्छे, उर्दू का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है. और हम लोग अभी टूल्स के बारे में बोला जाए तो हम लोग पेपेट फॉलो करते हैं. पाइथन का एक पेपेट जो कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है बेसिकली, तो वो यूज करते हैं टूल्स में. और यहाँ पे जैसे फॉर वर्जन कंट्रोलिंग वी यूज ऑलवेज गिट. गिट इज यूज फॉर वर्जन कंट्रोलिंग. तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में हमेशा डेवलपमेंट के टाइम हम लोग गिट यूज कर. मेरा जनरल मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँ कि सारे जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स में कोई भी होते, जब स्टार्टिंग में लोग कॉलेज से निकलते हैं अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए, कहीं या तो अपने कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाती है तो वो अपना कॉलेज में जाते हैं. अगर जिन्हें कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होती तो वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग जिस जैसे जावा वगैरह ले लिया और जावा के ही पीछे चलते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है. मैंने भी जब स्टार्टिंग में था तो मैंने भी जावा की ट्रेनिंग करी थी. बट मेरा ये यहाँ वेबकूल में फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे ये यहाँ नहीं पता था कि किस टेक्नोलॉजी में मुझे वर्क करने को मिला. लेकिन जब मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और हो गया फाइनल सेक्शन, तो आफ्टर दैट मुझे पता चला कि पाइथन में मुझे यहाँ पे वर्क करना है. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ और मैंने अपना माइंडसेट पूरा टोटली चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे अब पाइथन में वर्क करना है, पाइथन डेवलपर बनना है. तो मैंने स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज. तो इसलिए मेरा जनरल मैसेज यह है कि अगर तुम अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैंने जावा सीखी है तो जावा में ही मुझे करना है. अगर तुम्हारा कोडिंग और लॉजिकली तुम अच्छे हो तो यू कैन गो इन एनी टेक्नोलॉजी, यू कैन चूज एनी टेक्नोलॉजी. सो नेवर थिंक दैट आई लर्न जावा, आई शुड गो इन जावा. सो उस केस में क्या होता है कि लोग अपने कैरियर पाथ पूरा डाइवर्ट कर लेते हैं. तो अपना जो टेक्नोलॉजी है वो सही से सिलेक्ट करें और कोई भी लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए. मतलब लाइफ में ऐसा बनाओ कि अपना अगर तुमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा या कुछ भी करा है तो और तुम्हें उसी बैकग्राउंड से उसी चीज लाइन में जाना चाहिए, ठीक है. तो डाइवर्जन कभी नहीं होनी चाहिए.